जिनके पास कुछ नहीं है भगवान उनके पास फिर से कुछ आए, जिनके पास आंसू हैं उन्हें मुस्कान देना, और जिनका सौभाग्य सो गया है उनका भाग्य फिर से जगाना। मैं अपने तुम्हारे द्वारा दी गई समस्त कृपाओं के प्रति तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अपनी नौकरी के लिए धन्यवाद करो, अपने घर के लिए धन्यवाद करो, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करो, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करो, और अपनी सेहत के लिए धन्यवाद करो। जो कुछ भी भगवान से पाया उस सब के लिए भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। बस समझ लेना, ये धन्यवाद करना आ गया तो बस आपको कृपा पानी आ गई। भगवान से मांगना नहीं, धन्यवाद करना। जब धन्यवाद करना शुरू कर देंगे कृपाएं आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगे। शिकायत करने वाले से सब लोग दूर भागते हैं। जो लोग शिकायती हो जाते हैं ना, जो बच्चा बार बार शिकायत करता है तो माँ बाप उससे दूर भागने लग जाते हैं। टीचर के पास कोई बच्चा बार बार जाके शिकायत करे तो उससे टीचर भी चिढ़ने लग जाता है। ठीक इसी तरह से जो लोग हर समय कुछ न कुछ शिकायत करते रहते हैं, भगवान मुझे इतना कम क्यों दिया और पड़ोसी को इतना ज्यादा क्यों दिया, जैसे जैसे आप ये सब शिकायत करने लग जाएंगे तो ये ध्यान रख लीजिए आपके ऊपर से कृपाएं दूर होने लग जाएंगे। शिकायतें नहीं करो। तो आपके लिए मैं निवेदन किया है कि हर रोज धन्यवाद करना सीखें। आपसे ये भी कहा कि मन को शांत करना शुरू करें। मन को शांत करने का नियम यह है कि जो चीज आप मन में बार बार दोहराओगे वही चीज आपके आसपास आनी शुरू हो जाएगी। यदि आपने शिकायत करना शुरू कर दिया या कोई कमी के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो वो कमी सामने आने लग जाएगी। इसलिए कभी भी डर पर ध्यान नहीं केंद्रित करना, निर्धनता पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, बीमारी पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं करना। समस्या अगर है तो समाधान पर ध्यान केंद्रित करो, और अगर बीमारी है तो स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करो, और अगर आपके पास निर्धनता है तो संपन्नता पर ध्यान केंद्रित करो, और यदि आप पिछड़ गए हैं तो पिछड़ेपन पर ध्यान मत दो, आगे बढ़ने पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जिस चीज पर मन टिकाओगे मन आपको वहीं लेकर जाएगा। इसलिए आप सबको मन अपना वहीं केंद्रित करना है जहां जो चीज आप पाना चाहते हैं। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, हर दिन धन्यवाद करेंगे तो धन्यता आपकी जिंदगी में आएगी। कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। भगवान के लिए कृतज्ञ बनो और फिर पाओ, बहुत कुछ पाओ। कृतज्ञ होने से बहुत कुछ मिलेगा। तो प्रार्थना ये करिए कि मेरे प्यारे प्रभु तुम मुझ में जाग जाओ, मेरे अंदर जागृत हो जाओ। और ये भी कि जब आप ये कहते हैं तो आपको पहले अपने मन को समझाना होगा। क्या समझाना है? मेरे मन तू नहीं जानता। प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना अपने हृदय को भगवान से जोड़ने का नाम है। प्रार्थना अपने दिल की भाषा भगवान को सुनाने का नाम है। प्रार्थना में व्यक्ति का हृदय बोलता है और परमात्मा सुनता है, और ध्यान में भगवान बोलता है और भक्त सुनता है। बस इतना ही तो अंतर है। जब कोई ध्यान करने बैठेगा तो ध्यान में आपके कान भी सुनने को तैयार है, मन सुनने को तैयार, हृदय सुनने को तैयार। आप केवल उसकी आवाज सुन रहे हैं। अंदर सुन, ये जो ध्वनि चल रही है इस पर ध्यान टिकाकर हो, ऐसे ही ध्यान टिकाते टिकाते ये ओंकार की ध्वनि सुनते सुनते आपका मन टिकता है। मन टिकने लग जाए शांति आती है। प्रार्थना में यही नियम है। आप हृदय की बात भगवान तक कहते हैं, और ध्यान का नियम है बिल्कुल शांत होकर ग्रहण करने वाले बन जाओ कि वो बोले और मैं सुनो। तो आपने क्या कहना है अपने मन से कि मेरे मन
मैं जानता हूं। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है, प्रार्थना से सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए मैं सच्चे हृदय से प्रार्थना करने वाला बनूंगा, सच्चे दिल से, शांत मन से, सहज होकर प्रार्थना करूंगा। इसलिए एक काम करना, हर दिन जब मंदिर में जाते हैं ना, तो पहले मन को बिल्कुल शांत सहज कर लेना, भगवान की वो सारी लीलाएं याद करना कि किस तरह से उसने सुंदर पहाड़ों को बनाया, नदियों को बनाया, सागर को बनाया, चांद सितारों को बनाया, इतने सुंदर रंग बिरंगे फूलों को रचा, इतने अलग अलग तरह की तितलियों के पंखों में रंग भरकर, इंद्रधनुष में तरह तरह के रंग भरकर कैसे सजाता है मेरा परमात्मा, और कैसे फलों में रस भर देता है, और कैसे इतने इतने तरह के इंसानों के चेहरे अलग अलग तरह बना देता है, और फिर उसे सब याद है, सबके चेहरे, वो से मच्छर भी जितने बनाए, मक्खी भी बनाई, चींटियां बनाई, उन सब की शक्लें भगवान को याद है, हमें तो लगती सारी एक ही जैसी हैं। और फिर उसने अपने एल्बम में जिसका भी चित्र बनाया आज तक रिपीट ही नहीं किया, एक शक्ल बना दी, दोबारा वैसी शक्ल ही नहीं बनाई। हर आदमी अपने आप में अनुपम है, इसलिए वो हर एक अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसका हर बच्चा उसके लिए अलग ही है, सबसे अलग है। तो ऐसे परमात्मा का ध्यान करके, इतना शक्तिशाली है जो पहाड़ों को भी थामे हुए है, पृथ्वी को थामे हुए है, चांद सितारों को थामे हुए, सूरज को चमका रहा है, उस प्यारे परमात्मा का ध्यान करते हुए आप महसूस करना, जिन हाथों से उसने बड़े बड़े महान पुरुषों को बनाया, उन्हीं हाथों से उसने मुझे भी रचा है, उस प्यारे की शरण में मैं जा रहा हूं, और उससे अपना हृदय जोड़ने के लिए जा रहा हूं, मैं उसकी शरण में हूं, ऐसा मन में भाव लेकर आप प्रार्थना करने के लिए जाना और धन्यवाद करते रहना। मैंने तो कितनी कितनी गलतियां की हैं, तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा, तो मुझे हर रूप में जानता है, मैं कितना नाटकबाज हूं, कितना सच्चा हूं, कितना खोटा, कितना खरा, उसके बाद भी तूने आज तक प्यार करना नहीं छोड़ा। भगवान तुझे लाख लाख धन्यवाद देता हूं, तेरे प्यार में कमी नहीं, मुझ में खोट है। मैं सच्चे हृदय से प्रार्थना करता हूं, और फिर ये कहना, मेरे मन, मैं ये भी जानता हूं, मेरा इस पृथ्वी ग्रह पर, इस धरती पर आना अकस्मात नहीं हुआ, मैं कोई एक निश्चित उद्देश्य लेकर धरती पर आया हूं, मैं अपने प्यारे प्रभु से मदद चाहूंगा कि मेरा मकसद क्या था इस धरती पर, उसे जानने में मेरी मदद कर, और नहीं तो मुझे मेरा सदगुरु दे जो मुझे मदद कर सके मेरे उद्देश्य को जानने में और उसे पाने में, मुझे विधि दे सके, मैं अपने सदगुरु की शरण में जा सकूं। भगवान मुझे मदद करे। मेरे मन, मैं जानता हूं प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, मैं भगवान की शरण में जाने लगा हूं, ऐसे मन को समझाते हुए प्रार्थना के निकट होने की चेष्टा करना। मंदिर में जब जा रहे हो उस समय, घर का जो मंदिर होता है ना आपका, आप उस समय इतने जल्दी में होते हैं, इतने अशांत, इतने जल्दी जल्दी ये सोचते हैं दो मिनट में प्रार्थना भी कर लें और सारे मंत्र भी पढ़ लें, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, सारे काम बिगाड़ देंगे, आज के सारे काम जो है वो ठीक ठाक चलें, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा प्रणाम करना पड़ेगा। और फिर कमाल की बात तो ये है कि लोग इष्ट देव भी एक चुन नहीं पाते, इतने सारे देवी देवता सबको हाथ जोड़ते 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 जोड़ते, मुझे तो बड़ा अजीब लगा, एक आदमी को मैंने भगवान की एक मूर्ति उठा के दी, आया बड़ा मत्था टेका, बड़ी श्रद्धा से आया, तो मैंने भी श्रद्धा से प्रेम से उठा के एक मूर्ति उसको पकड़ाई, बोले नहीं 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 ये आप रखिए। मैंने कहा क्यों? बोले 26 है पहले, एक और आप दे दोगे, हाथ जोड़ते जोड़ते दो दो मिनट सबको हाथ लगाने पड़ते हैं, मेरा कितना सारा टाइम चला जाता, आप एक और दे दोगे तो फिर अगर नहीं ठीक से हाथ जोड़े डर और बना रहेगा सारा दिन, आज जो काम बिगड़े उसी की वजह से बिगड़े, वो जो आखिरी वाली मूर्ति की पूजा नहीं रही। मैंने कहा 26 कैसे हो गए? बोले ऐसे कोई मिलते रहे देते रहे, मैं जोड़ता रहा। तो भगवान डरने के लिए नहीं है,
एक कंत, एक संत, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक पंथ, अगर आपका है तो कल्याण है, अगर बहुत बहुत है तो कल्याण है ही नहीं। फिर आप कहेंगे कि बाकी देवी देवता रखने होते हैं, जैसे मैं राम को मानता हूं या शिव जी को मानता हूं या कृष्ण भगवान को मानता हूं, किसी एक को जिसको आप मानते हो, तो सब देवी देवताओं को एक में देखो, एक को सब में देखो। जबान पर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आपके मुंह से एक ही नाम निकलना चाहिए। लेकिन जब कभी शिवरात्रि आए, ओम नमः शिवाय जाप कर लेना। लेकिन राम को अगर मानते हो तो राम का नाम चलते रहना चाहिए। तो जब आप शिव जी की शरण में जाओगे तो शिव का नाम जपने के बाद ये कहना, मुझे मेरे राम में और अगाध श्रद्धा देना, मेरे शिव मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। और जब आप लक्ष्मी की कामना के लिए जाओ तब कहना कि सीता राम के स्वरूप में आपको पूछता रहा हूं, लेकिन मुझे पता है सीता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, शक्ति सीता का ही स्वरूप है, मैं उसी रूप में हे जगदम्बा या हे महादेवी महालक्ष्मी आपका पूजन करता हूं, मेरे घर में सुख समृद्धि हर तरह की संपन्नता प्रदान करना। तो एक जगह टिक जाइए, एक में सब कुछ है। नरहरि सुनार की कथा सुनी है ना आपने, पंडरपुर में नरहरि सुनार ने किसी एक भक्त की मनोकामना पूरी हो गई थी, तो उसने नरहरि सुनार के पास जाकर के कहा कि भाई आप मुझे सोने का एक आभूषण बना कर दो, मैं कृष्ण भगवान को मानता हूं, तो आप जरा उनकी कमर का एक सोने का आभूषण बना दीजिए, कमर में जो बांधा जाता है। इन्होंने कहा देखिए मैं तो शिव जी को मानता हूं और कृष्ण भगवान से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो कथा आप लोगों ने सुन रखी है, सार बता देता हूं। तो इन्होंने कहा कि आभूषण बढ़िया बना देंगे, नाप आप लेकर आ जाओ। वो नाप लेकर आया तो जैसे ही आभूषण बनाया तो वो छोटा पड़ गया, तो दो बार ऐसा हुआ, तीसरी बार वो बोला कि आप सुनार से नरहरि से आप ही चलिए। बोले मैं तो दर्शन करूंगा नहीं, मैं तो शिव जी को मानता हूं। बोले आप आंखों पर पट्टी बांध के चलिए, मैं हाथ पकड़ के ले जाऊंगा, आप हाथों से नाप ले लीजिए और समझ लीजिए। जैसे ही ये नाप लेने पहुंचे तो विट्ठलनाथ के जैसे ही वहां पहुंच गए तो कमर पे हाथ घुमाकर पूरा, जैसे इन्होंने नाप ली, नाप लेते लेते इनको समझ में आने लगा कि यहाँ तो कमर में बाघम्बर है। थोड़ा सा ऊपर हाथ लेकर गए तो गले में सर्प महसूस होने लगा, थोड़ा सा और ऊपर हाथ लेकर गए तो गंगा और उनकी जटाएं महसूस होने लग गई। अब इनको समझ में आया कि मैं कृष्ण भगवान के बारे में सुन के आया हूं, लेकिन मूर्ति जहां हाथ लगा रहा हूं वो तो शिव जी हैं। दो तीन बार टटोल कर देखा, जैसे ही मन में आया कि शिव जी सामने, मैं आंखों पर पट्टी बांधे हुए हूं तो दुर्भाग्यशाली नहीं हूं, आंखें खोली और देखा सामने कृष्ण भगवान की मूर्ति है। तो इसने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, दर्शन करता हूं तो शिव के और यहां कृष्ण जी सामने हैं। दो तीन बार ऐसे करके देखा तो कहानी ये कहती है कि भगवान ने सामने प्रकट होकर महसूस करा दिया कि तू मुझे अलग अलग रूपों में देखना चाहता है, सोचता है कि ऐसे ही भगवान होंगे वैसे होंगे, लेकिन कृष्ण अलग नहीं है और शिव अलग नहीं है, राम अलग नहीं है, विष्णु अलग नहीं है, शिव अलग नहीं है, हर और हरि एक ही है। श्रद्धा अगर रखोगे एक में तो उसी से कल्याण होगा। तो अपने आप को बटने नहीं देना चाहिए। तो एक जगह मन टिका लीजिए और पूरी श्रद्धा से, एक ग्रंथ में, एक गुरु में, एक मंत्र में, एक कंत इष्ट देव में पूरी श्रद्धा रख लीजिए।
और अगर दूसरी जगह जाना पड़े तो अपने ही गुरु का रूप देखिए, किसी भी मंदिर में जाओ तो अपने इष्ट का ही रूप देखिए, और उसी रूप को देखते देखते जो आपको अच्छा लगे तो यही समझ में आना चाहिए कि मेरे सदगुरु न जाने किस किस रूप में आकर मुझे शिक्षा देकर जाते हैं। तो सीधे माथा झुकाकर प्रणाम करना तो कल्याण होगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि जितनी जितनी श्रद्धा आपकी होगी कल्याण होगा, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रख लीजिए कि जब आप भक्ति करें तो भक्ति में आपकी श्रद्धा के साथ समर्पण एक जगह होना चाहिए। किसी एक नाम को आप बहुत श्रद्धा से पूजने वाले बन जाएं, जगह जगह अपने आप को डावाडोल मत कीजिए। आजकल चमत्कार बताने वाले बहुत लोग आते हैं, अभी सारे दुख दूर करता हूँ, अभी ये करता हूँ, अभी वो करता हूँ, बस इतने पैसे दे देना लाके फिर सब दुख दूर कर दूंगा। जो आपसे पैसे का भिखारी है वो आपका दुख कभी दूर नहीं कर सकता। जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ परमात्मा से। और जो अपना नाम नहीं, अपने आप ये नहीं कहता मैं दुख दूर करूंगा, जो कहता दुख दूर करने वाला एक ही है जिसने मुझे और आपको बनाया, वो परमात्मा एक ही है, उस पर श्रद्धा रखो। तो एक ग्रंथ आपका, एक संत आपका, एक मंत्र आपका, एक पंथ आपका अगर जिंदगी में हो गया और आते जाते श्वास श्वास में नाम जपने की आदत पड़ गई, तो जो जन्मों से बात नहीं बनी वो इसी जन्म में बात बन जाएगी, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा रखो पूरी पूरी। तो मन को कहना मैं जानता हूं प्रार्थना में बहुत शक्ति है, और इस दुनिया में मेरे आने का एक निश्चित उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पहचानने में और वहां तक पहुंचाने में मेरा गुरु मेरी मदद करेगा। भगवान मुझे मेरे गुरु में श्रद्धा और विश्वास दे, और मेरी प्रार्थना में बल दे, मेरे मंत्र में शक्ति दे। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय, और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।